अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंटरमीडिएट कैटेगरी आईबीए की जो आज टेस्ट हुई है 12 जून को, उसमें जो मैथमेटिक्स के सवाल हैं 41 से लेकर 60 तक, उनको आज हम सॉल्व कर रहे हैं। आप देखिएगा जो जो बच्चे करके आए हैं अच्छी बात है, और जो जो जिन जिन का भी टेस्ट होगा 21 जून तक ये टेस्ट हो रहे हैं 21 जून तक, तो उनके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो नंबर वन, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ PKR1 इज़ 50 पैसा। अब 1 रुपी में हमारे पास कितने पैसा होते हैं? 100 पैसा, 100 पैसा, ठीक है। तो 50 पैसा कितने में होंगे? आधे रुपए में, मतलब 1/2 रुपीस। तो इसका जवाब क्या होगा? 1/2। क्वेश्चन नंबर टू, आईबीए का सवाल है ये, इंटरमीडिएट कैटेगरी का। आज का पेपर 12 तारीख को हुआ था, ठीक है। द वैल्यू ऑफ log 7, बेस इसका क्या है? 7 है, और यहाँ पर लिखा हुआ है radical 7। इसका जवाब क्या होगा? ठीक है, तो हमारे पास एक फार्मूला आता है। फार्मूला क्या होता है? log AX = Y, इसको हम बोलते हैं logarithmic form। इसको जब हम कन्वर्ट करते हैं किसमें? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो हम लिखते हैं ये जो a है, नीचे वाला a, इस पर ये आ जाता है पावर, a पावर y इज इक्वल टू ये आ जाता है x, ऐसे लिखते हैं। तो अब देखिए इसको अगर हम लिखना चाहें, इसको अगर लिखना चाहें log 7 radical 7 इज इक्वल टू y, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? देखिए a की जगह पर क्या है? 7 पर पावर हम क्या लिखेंगे? y इज इक्वल टू एक्स की जगह पर क्या लिखा हुआ है? radical 7। तो हम ये क्या लिखेंगे? 7 पावर y है इज इक्वल टू, इसको अगर हम लिखना चाहें 7 पे पावर 1/2, तो हम लिख सकते हैं। अब यहां पर 7 बेस और ये बेस कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू क्या हुई? 1/2। तो इसका मतलब क्या है? इसका जवाब होगा 1/2, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। लॉगरिथमिक फॉर्म से हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो जवाब क्या आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, द वैल्यू ऑफ टेंजेंट 45 प्लस कॉट 45। हम जानते हैं कि टेंजेंट 45 1 के बराबर, कॉट 45 भी 1 के बराबर, तो 1 + 1 रिजल्ट हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 44, द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इन द फॉलोइंग लिस्ट इज, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, देखिए मैं आपको बता दूं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन तभी होती है जब न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर हो, मतलब ऊपर जो वैल्यू हो वो ज्यादा हो, नीचे कम हो। तो अगर आप ऑप्शन ए को देखें तो ऊपर कम है नीचे ज्यादा है, ये गलत है। ऑप्शन बी में भी ऊपर कम है नीचे ज्यादा है, गलत है। ऑप्शन सी में भी ऊपर कम है नीचे ज्यादा है, तो ये गलत है। ये सारी प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं। तो इम्प्रॉपर कौन सी होगी? जहां पर ऊपर वैल्यू क्या हो? ज्यादा हो। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, 5/4। 45, द 5/2 कैन बी, ये जो नंबर है 5/2 कैन बी एक्सप्रेस्ड इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन का एक और नाम भी है जिसे हम बोलते हैं कंपाउंड फ्रैक्शन, ठीक है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होगी? 5/2, तो ये जवाब आ जाएगा 2 whole 1/2 या 2 integer 1/2, तो ऑप्शन बी है। या इसको सॉल्व करने का तरीका भी देख लीजिए, 5 को डिवाइड कर दीजिए 2 से, तो 2 की टेबल 2 टाइम्स बचेगा क्या? 1, रिमाइंडर 1 बचेगा, तो 2 whole 1/2 लिखेंगे, 2 whole 1/2। और कल को अगर इसको हम सॉल्व भी करना चाहें तो 2 2s are 4 + 1 5/2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा जवाब क्या होगा? बी, 2 whole 1/2। ये देखिए इसको आप दो तरीकों से कर सकते हैं। एक तो तरीका ये है कि हमारे पास एक फार्मूला है, ये आप याद भी कर लीजिए, a² - b² बराबर होता है a - b, दो फैक्टर्स बनते हैं a + b। तो देखिए a की जगह पर इधर क्या लिखा हुआ है? 21 का स्क्वायर - 19 का स्क्वायर इज इक्वल टू, a की जगह पर क्या लिखा हुआ है? 21 - 19, और इधर लिखा हुआ है 21 + 19, तो ये हो जाएगा 21 - 19 मतलब 2, दूसरी ब्रैकेट में 21 + 19 ये हो जाएगा 40, तो रिजल्ट 2 40s are 80, जवाब क्या है? 80 है। या फिर एक और तरीका ये है कि 21 का आप स्क्वायर कर दें, 21² - 19² ये सिंपल, जो जैसे भी आप करना चाहें। 21 का स्क्वायर होता है 441 माइनस 19 का स्क्वायर होता है 361। अब ये स्क्वायर आपको याद होने चाहिए, नहीं है तो फिर आपको मल्टीप्लीकेशन करनी पड़ेगी, डबल मल्टीप्लीकेशन। तो 441 में से 361 जाएंगे तो बचेगा क्या? 80, तो जवाब अगेन आपका 80 आ जाएगा। ये आईबीए का आज का पेपर है 12 जून का, इंटरमीडिएट कैटेगरी का, मैथमेटिक्स के सवाल हम सॉल्व कर रहे हैं। ये परसेंटेज का सवाल है, द वैल्यू ऑफ 25% ऑफ 40, मतलब 40 का 25%, तो 25% मतलब डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 40 प्लस
30%, 30% मतलब 30 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 60 क्या होगा? तो देखिए ये जीरो और ये जीरो क्या हो जाएगा, कैंसिल। 425 100 डिवाइडेड बाय 10 प्लस ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो कैंसिल, इधर क्या बचेगा 36 18। अब ये जीरो और ये जीरो भी कैंसिल हो जाएगा तो इधर बचेगा 10 प्लस 18, तो रिजल्ट हो जाएगा 28। तो आपका जवाब क्या होगा, 28, ऑप्शन सी। नंबर 48, द मिसिंग वैल्यू इन, ये जो मिसिंग वैल्यू है इसको हम फिलहाल एक्स रखते हैं, क्या रखते हैं एक्स, -1/4। आपके पास जवाब आ रहा है कितना, 1/4। तो इसको सॉल्व करने का बस सिंपली तरीका है कि ये जो माइनस का 1/4 है इसको आप उस साइड ले जाएंगे तो पॉजिटिव का हो जाएगा। x इज इक्वल टू ऑलरेडी क्या है, 1/4 है, प्लस ये जब उधर जाएगा तो माइनस का है, प्लस का हो जाएगा 1/4। LCM लेंगे तो ये हो जाएगा 4 1+1 2/4 और कैंसिल होकर 1/2 आ जाएगा। तो ये मिसिंग नंबर यहाँ पर जो है वो 1/2 होगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। नंबर 49, 1/4 + 1/4 + 1/4 + 1/4 LCM ले लीजिए, 1/4 + 1/4 + 1/4 + 1/4 तो LCM क्या होगी इसकी, 4 होगी, 1+1+1+1 टोटल होगा 4/4, कैंसिल होकर जवाब आएगा क्या 1। वैसे भी आप देख लें 1/4 हम बोलते हैं 1/4, मतलब पिज़्ज़ा को अगर हम चार टुकड़े करें तो उसका एक टुकड़े को हम क्या बोलेंगे, 1/4। तो चार टुकड़े हैं टोटल, एक, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, चार टुकड़े मिलाकर फिर से एक कंप्लीट पिज्जा बन जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 50, द वैल्यू ऑफ दिस, ये तो आसान सा सवाल है, इसको आप कैंसिल कर दें, कैंसिल कैसे करेंगे, 2 2 कैंसिल, 3 3 कैंसिल, 4 4 कैंसिल, बचा क्या, 1/5, और 1/5 मतलब 0.2, है ना, 1/5 मतलब 0.2। नंबर 51, अब देखें ये कुछ डिस्क्रिप्टिव सवाल है। After reading 7/9 of a book, 40 pages are left. The number of pages in the book is, ठीक है, अब ये देखें ये सवाल थोड़े से टिपिकल हैं, है ना, ये बच्चों को सॉल्व करने में थोड़े बहुत प्रॉब्लम करते हैं, लेकिन हम आपको आसान सा तरीका बता देंगे। एक तो तरीका सिंपल है, वो ये है कि टोटल जो पेजेस हैं वो हमें बताने हैं, लेकिन हमने पढ़े कितने हैं, रेड पेजेस आर कितने हैं 7/9, ठीक है। ऐसा समझ लीजिए जो चैप्टर्स है ना, टोटल चैप्टर्स कितने हैं, 9 चैप्टर्स, उनमें से पढ़े कितने गए हैं, 7 चैप्टर्स 9 में से पढ़ गए हैं। 7/9 का मतलब होता है टोटल कितना है, 9 है, उसमें से 7 क्या है, रेड हो चुके हैं, मतलब पढ़े जा चुके हैं। बाकी कितने बचे चैप्टर्स, अगर 9 चैप्टर्स हैं टोटल, उसमें से 7 पढ़े जा चुके हैं, तो बाकी कितने बचेंगे, 2 बचेंगे चैप्टर्स, 2 चैप्टर्स बचे हैं, 2 चैप्टर्स, 2 चैप्टर्स, और पेजेस कितने बचे हैं, पेजेस बचे हैं 40 पेजेस। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 चैप्टर्स में कितने पेजेस हैं, 40 पेजेस हैं। तो आप मुझे बताइए 1 चैप्टर में कितने होंगे, 1 चैप्टर में होंगे 20 पेजेस। तो देखें 1 चैप्टर में 20 पेजेस, 2 चैप्टर्स में 40 पेजेस। तो ऐसे ही टोटल मैंने चैप्टर बोला था कितने हैं, टोटल चैप्टर हैं 9 है, तो 9 चैप्टर्स में आपके पास हो जाएंगे 180, क्योंकि 20 को अगर आप 9 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, 180, तो 180 पेजेस। एक तो तरीका ये है, और एक तरीका मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए मैं इसको मिटा देता हूँ, इसको हम मिटा देते हैं, और दूसरा तरीका मैं आपको बता देता हूँ। दूसरा तरीका ये है कि हमने कितने पढ़े हैं, टोटल लेट, टोटल पेजेस आर कितने हैं, एक्स, और पढ़े कितने जा चुके हैं, रेड पेजेस आर कितने हैं, 7/9x। तो बचे कितने हैं, रिमेनिंग पेजेस मतलब अनरेड पेज हैं, वो कितने हैं, 40। तो इसकी इक्वेशन बताइए, टोटल कितने हैं x, उसमें से माइनस कर दें कितने, जितने हमने पढ़े हैं 7x/9, तो बचे कितने, 40। तो बस इस इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 कर दें, ये LCM कितनी होगी, 9, तो ये होगा 9x - 7x = 40। 9x - 7x कितना होगा, 2x, डिवाइडेड बाय 9 = 40। ये 9 इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा तो 2x = 9 4 360, 2 की टेबल लग जाएगी तो x = 180, मतलब x की वैल्यू कितनी मिली, x की वैल्यू मिली 180, तो वो कितने हैं, टोटल पेजेस हैं, टोटल पेजेस आर 180, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, डी।
52. A drum full of rice weighs 4016 kg. If the empty drum weighs 1335 kg, the weight of the drum is, मतलब ये है कि एक ड्रम है, एक बहुत बड़ा ड्रम है, उसमें जब राइस जो हैं, राइस पड़ चुके हैं, तो उसका जो वेट है, वेट कितना आ रहा है, वेट है उसका विद राइस, है ना, वेट कितना है, 4016 किलोग्राम, ठीक है। और अगर हम इसमें से चावल निकाल दें, सिर्फ ड्रम का, सिर्फ ड्रम, ये जो ड्रम है, ड्रम का जो वेट है वो अगर देखें तो वो कितना है, 1334 kg, 1334 kg। तो अब बताइए कि इसमें राइस कितने डले, इसमें कितने राइस गए कि हमें जो है कि रिजल्ट मिला कितना, 4016 ग्राम। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें से ड्रम का जो वेट है वो हम माइनस कर देंगे, टोटल वेट कितना है 4016, इसमें से 1334 माइनस कर देंगे, 211 में से 3 गए तो बचेंगे 8, इधर बचा 9 में से 3 गए तो 6, इधर बचेगा 2, तो 2682, जवाब क्या होगा, ए, इसमें से माइनस कर देंगे, मतलब 4016 में से 1334 माइनस कर देंगे तो जवाब आ जाएगा 2682, मतलब जो राइस का जो वेट है वो कितना है, 2682 किलोग्राम। द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट थ्री डिजिट्स नंबर एंड द स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट्स नंबर इज, मतलब अगर हम देखें तो 1 से लेकर 9 तक सिंगल डिजिट नंबर है, अगर हम 10 से लेकर 99 तक जाएं तो 2 डिजिट नंबर है, 100 से लेकर 999 तक जाएं तो ये 3 डिजिट नंबर है, तो ये कौन है, 3 डिजिट, ये है 2 डिजिट और ये है 1 डिजिट। अगर आप इधर थोड़ा सा गौर करें तो आपको ये दिखाई देगा कि ये स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है, स्मॉलेस्ट, और ये लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट 3 डिजिट है, क्योंकि 999 के बाद, 999 के बाद नंबर जो आएगा वो आएगा 1000, और 1000 क्या है, 4 डिजिट है। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम 3 डिजिट नंबर की बात कर रहे हैं, एक किसकी, लार्जेस्ट की, और एक किसकी, स्मॉलेस्ट की। तो लार्जेस्ट कौन सा है, 999, और स्मॉलेस्ट कौन सा है, 100। तो इनका हमें क्या चाहिए, डिफरेंस है, डिफरेंस मतलब माइनस, माइनस कर दें तो आपको मिलेगा 899, 899, जवाब इसका क्या होगा, सी। आई होप ये आपको जवाब समझ में आ गया होगा। नंबर 54 देखें, द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर इज 3 times द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल, आफ्टर 5 years देयर एजेस विल एड टू 60, 6 years द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल, साहिल की प्रेजेंट एज चाहिए। हम बोलते हैं लेट द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल, साहिल की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है, x है, ठीक है। सो द मदर, मदर्स एज कितनी है, 3 times, मतलब क्या हो जाएगी, 3 multiplied by x, 3x हो जाएगी। अब देखिए आफ्टर 5 years, अगर हम आफ्टर 5 years की बात करेंगे, क्या बात करेंगे, आफ्टर फाइव ईयर्स, अगर आप आफ्टर 5 years देखेंगे तो साहिल की जो एज होगी, साहिल की एज अभी कितनी है, x है, तो आफ्टर 5 years मतलब +5 कर देंगे, 5 साल के बाद। और मदर की जो एज है, मदर क्या हो जाएगी, अभी एज उसकी है 3x, तो 5 साल के बाद उसकी कितनी हो जाएगी, 3x + 5। तो टोटल जो ये कर रहे हैं, साहिल की एज 5 साल के बाद और मदर की एज 5 साल के बाद, 66 बन रहा है, मतलब x + 5, ये एज किसकी है, साहिल की, लेकिन आफ्टर 5 years, और 3x + 5, ये किसकी एज है, मदर की, लेकिन आफ्टर 5 years। इसका एड कर रहे हैं, देखें विल एड, एड मतलब प्लस, तो इधर हम क्या रखेंगे, प्लस, कितना मिल रहा है, 66 मिल रहा है, तो 66 रखेंगे। अब देखें x + x कितना होगा, ये मैं इधर लेकर जा रहा हूँ, ये हो जाएगा 4x, 5 + 5 कितना होगा, 10 होगा, इज इक्वल टू 66। तो 10 गया इधर, तो 4x इज इक्वल टू 66 माइनस 10, तो 4x इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 56। तो x इज इक्वल टू 56 डिवाइडेड बाय 4, तो x की वैल्यू हो जाएगी 14। मतलब जो साहिल की एज है, x क्या है, x बेसिकली साहिल की एज है, वो कितनी है, 14 years, तो वो कितनी हो जाएगी, 14 years। आई होप कि ये भी जवाब आपको समझ में आ गया। 55. The two numbers are in the ratio 5:3. If they differ by 18, the required numbers are. मतलब जो ratio है वो क्या है? हम बोलेंगे let the numbers are 5x and 3x. और इनका difference, their difference is
their difference is 18. उसका difference कितना है? 18 है. इसका मतलब क्या हुआ? 5x minus 3x. ये difference का मतलब क्या होता है? Minus. Minus 3x is equal to 18. इसका मतलब क्या हुआ? ये होगा 2x is equal to 18. मतलब x is equal to 2 जाके divide करेगा 18 को, तो जवाब क्या आएगा? 9. तो ये जवाब हो गया 9. अब देखें, हमारे पास नंबर हमने कौन से लिए थे? हमने नंबर्स लिए थे 5x और 3x. तो 5x की जगह पर अगर हम 9 रखेंगे तो ये हो जाएगा 45, और x की जगह पर इधर 9 रखेंगे तो ये हो जाएगा 27. सो ऑप्शंस नंबर्स आर 45 एंड 27. ऑप्शन ए सही है. 56. मैक्सिमम नंबर ऑफ राइट एंगल्स इन अ राइट एंगल ट्रायंगल. ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है ऐसा राइट ट्रायंगल जिसकी एक एंगल क्या हो, 90 डिग्री हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? राइट एंगल. राइट एंगल ट्रायंगल की डेफिनेशन क्या है? अ ट्रायंगल व्हिच कंटेन्स वन राइट एंगल या वन एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, उसे हम क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल. तो एक ही एंगल होती है राइट एंगल, बाकी दोनों क्या होती हैं? एक्यूट होती हैं. दोनों का सम क्या होता है? 90. तो राइट एंगल का मतलब है 90 डिग्री. राइट एंगल का मतलब है 90 डिग्री. और राइट एंगल्ड ट्रायंगल का मतलब है ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री के बराबर हो. तो एक ही होती है. ऑप्शन इसका क्या होगा? डी, 1. द पोर्ट्रेट ऑफ कायदे आजम इज स्क्वायर. मतलब जो कायदे आजम का एक पोर्ट्रेट है वो स्क्वायर शेप में है. स्क्वायर शेप ऐसा होता है जिसकी चारों साइड्स आपस में क्या होती हैं? बराबर. ये याद रखिएगा. स्क्वायर की डेफिनेशन क्या है? ज्योमेट्रिकल शेप हैविंग फोर साइड्स बट ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल इन लेंथ एंड देयर ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री. ठीक है. एंड हैज एन एरिया ऑफ, एरिया उसकी कितनी है? एरिया इज इक्वल टू 256 सेंटीमीटर स्क्वायर. उसके पोर्ट्रेट की एरिया ये है. तो लेंथ उसकी क्या होगी, है ना? तो अगर एरिया क्या है? 256 है. और एरिया किसके बराबर होती है वैसे? लेंथ या एक्स स्क्वायर, क्योंकि उसकी लेंथ और विड्थ दोनों क्या होती हैं? बराबर. तो एरिया किसके बराबर होगी? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. और एक्स स्क्वायर क्या है? 256 है. एरिया कितनी है? 256 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. तो इसका देंगे रेडिकल, तो 256 का रेडिकल क्या होगा? 16. तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? 16. तो लेंथ कितनी होगी? 16. 58. A TV was purchased at 50,000. मतलब purchased क्या है? TV purchased 50,000 में और sold, बेची गई कितने में? 40,000 में. सोचें कि loss होगा कि profit? जाहिर है loss होगा. कितना होगा? 10,000 का loss होगा. आपको क्या बतानी है? loss percentage बतानी है. वैसे loss पूछता तो 10,000 जवाब होता, लेकिन loss percentage बतानी है. तो loss percentage जो होती है वो हम लिखते हैं क्या? loss डिवाइडेड बाई एक्चुअल प्राइस. मतलब जो जिसमें वो खरीदी गई थी वो कितनी है? 50,000. इस पे 40,000 नीचे मत लिखिएगा. एक्चुअल प्राइस, है ना? एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100% दे देंगे तो ये आपको मिल जाएगा. अब देखिए कैसे करते हैं हम. लॉस कितना है? 10,000. लॉस कितना है? 10,000 डिवाइडेड बाई एक्चुअल प्राइस कितनी है? 50,000 मल्टीप्लाई बाय 100%. अब इसके जीरो जो हैं, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ये चारों कैंसिल. यहाँ पर क्या बचा? 1/5 मल्टीप्लाई बाय 100%. या इसको हम ऐसा लिख लें, 100 divided by 5%. ये टेबल लग जाएगी तो 20 हो जाएगा, 20%. तो लॉस कितना हुआ? 20%. परसेंटेज में पूछ रहे हैं तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सी, 20%. नंबर 59. द वैल्यू ऑफ बेस इन बाइनरी नंबर सिस्टम इज, सब बच्चा बच्चा जानता है कि जो बाइनरी नंबर सिस्टम है उसका बेस क्या होता है? 2 होता है. जो बाइनरी है उसका क्या होता है? 2 होता है. ठीक है. और नंबर जो 60 है, द डेसिमल नंबर 34 कैन बी एक्सप्रेस्ड इन बाइनरी नंबर सिस्टम. तो मैंने ये कहा कि बाइनरी जो सिस्टम होता है, बाइनरी सिस्टम में हमारे पास जो नंबर होते हैं वो कौन से होते हैं? या तो 0 या तो 1 होता है. अगर हम डेसिमल की बात करें तो डेसिमल में हमारे पास क्या होता है? 0 से लेकर 1, 2, 3 एंड कहाँ तक? 9 तक, है ना? डेसिमल में ये होता है. अगर 5 वाला सिस्टम जो होता है, पेंटा वाला, उसको हम, उसमें सिर्फ 5 होते हैं. कौन से? 0, 1, 2, 3, 4, 5. ऑक्टा वाला कौन सा होता है? जिसमें 8 होते हैं, 0 से लेकर 7 तक. ठीक है. तो 34 डेसिमल सिस्टम में है. इसको हमने कन्वर्ट करना है किसमें? बाइनरी सिस्टम में. बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे. तो 34 है, 34 के अब फैक्टर्स निकालते हैं. पहले हम, क्योंकि बाइनरी में चेंज करना है तो हम इसको किससे डिवाइड करेंगे? 2 से. जब 2 से 34 को डिवाइड करेंगे तो कम्प्लीटली टेबल लग जाएगी 17 टाइम्स. जब 17 टाइम्स लगेगी तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 0 बचेगा, जाहिर है. फिर से 2 की टेबल लगाएंगे 17 पर तो 8 टाइम्स जाएगी, लेकिन रिमाइंडर अब बचेगा. कितना बचेगा? 1 बचेगा, 1 लिखेंगे. फिर से 2 की टेबल लगाएंगे, अब कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, 4 टाइम्स लगेगी टेबल और रिमाइंडर क्या बचेगा? 0.
अब 2 की टेबल लगाएंगे तो 2 टाइम्स और रिमाइंडर क्या बचेगा 0, फिर से 2 की टेबल लगाएंगे तो कितने टाइम 1 टाइम और रिमाइंडर क्या बचेगा 0। तो अब यहाँ से पकड़ेंगे सवाल को, यहाँ से इधर इस 1 से, यहाँ से लेकर इस तरह से चलेंगे यहाँ तक, ये जो नंबर है ना 1 0 0 0 1 0, ये बाइनरी सिस्टम में चेंज हो चुका है, इसको सीक्वेंस से लिख लें 1 फिर क्या है 0 0 0 1 0, दिस वन इज इन बाइनरी सिस्टम, ये बाइनरी सिस्टम में लिखा गया है, मतलब 34 इज इक्वल टू 101 इन अ बाइनरी सिस्टम, ये किस में है, बेस में, बेस 10 में है, तो ये जवाब हो जाएगा। ऑप्शन इसका क्या है, ऑप्शन है इसका सी। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, ये प्रोफेसर इख्तियार महर के नाम से चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब कर दीजिए, और कल का इंशाल्लाह पेपर जो होगा वो सबसे पहले हम ही अपलोड कर देंगे क्योंकि हमें मिल जाता है सबसे पहले, तो आप काइंडली इसको चेक कर लीजिए, और इससे रिलेटेड अगर आपके पास बुक है 6, 7, 8 क्लास के, तो उनसे रिलेटेड ऐसे जो सवाल हैं वो आप ज़रूर हल कर दीजिए, ताकि कल परसों जो भी आपका टेस्ट हो आपका बहुत अच्छा जाए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।